first of all, thanks to all of you for your extreme love and support. Seriously, आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं जिनको पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है. तो आज मैं आपके साथ दो चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ. पहली चीज़ जो आप लोग कहते हैं मुझे कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, तो सीरियसली गाइज ये मेरे लिए अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेली व्लॉग बनाने के लिए बहुत गट्स चाहिए होता है. पूरा दिन आपको कैमरा लेके घूमना है. तो मैं सल्यूट करती हूँ उन व्लॉगर्स को, उन यूट्यूबर्स को जो डेली व्लॉग बनाते हैं. तो अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, पर लेटर मैं देखूँगी अगर फ्यूचर में ये पॉसिबल हो पाया मेरा शेड्यूल के हिसाब से. सेकेंड थिंग कि जो आप कहते हैं हमेशा कि मेरे जो व्लॉग्स हैं वो लेंदी नहीं होते हैं, काफ़ी शॉर्ट होते हैं, तो मैं थोड़े लेंदी व्लॉग बनाया करूँ. तो मैं ऐसा नहीं है कि सीन्स शूट नहीं करती हूँ, बहुत सारे सीन्स शूट करती हूँ. तो क्या होता है ऐसा जो मेरे व्लॉग्स जो हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, तो चलिए आज मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ. तो चिकन बना, मैंने डिनर बना दिया हुआ है, पर वेडनेसडे है ना. फिर एक मिनट, मैं आपको बताने ही वाली थी कि क्यों मेरे व्लॉग्स शॉर्ट हो जाते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ. लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ. देखिए आप सब कि यहाँ पे क्या चल रहा है. ये देखिए मैं डिनर बना चुकी हूँ. मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सब्जी बना रखी है, ये रोटी बनी हुई है, यहाँ पे सब्जी मैंने बना दी है. आज मैंने ये मिक्स वेज काफ़ी सारी वेजिटेबल्स डाल के और बीच में मैंने पनीर और एग भी बॉयल करके डाले थे. बहुत टेस्टी बहुत यम्मी सब्जी बनी है. लेकिन नहीं, आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को नॉनवेज डे होता है, लेकिन नॉनवेज घर पे नहीं था अवेलेबल, तो मैंने फिर नहीं बनाया, तो मैंने सब्जी बना दी. तो अभी ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमें नॉनवेज तो खाना ही खाना है, अभी ये लेके आए हैं. तो क्या ये इतना कंपलसरी है कि डिनर हमारा रेडी है पर इनको क्योंकि नॉनवेज खाना है तो इसलिए रात को 10 बजे नॉनवेज बनाएंगे? बहुत कंपलसरी है, बहुत कंपलसरी है ना. हाँ, आज हमारा डे है, दो बार तो बनता है, मतलब वेडनेसडे और सैटरडे को अगर नॉनवेज बनता है तो ये जरूरी तो नहीं है कि अगर नॉनवेज नहीं था तो हम सब्जी भी तो खा सकते हैं. आपको आपसे टेस्टी चिकन बना के खाएंगे. मुझसे भी टेस्टी चिकन? हाँ. yes. ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत खुशी होगी कि अगर तुम लोग मुझसे भी टेस्टी चिकन बना लोगे तो. yeah. के साथ ये लड़की कभी हेल्प नहीं करवाती कि मुझे पढ़ाई करनी है, मम्मा मुझे पढ़ाई करनी है, हैं? आज पापा के साथ चिकन बनाया जा रहा है. मेरी टाइमिंग, मेरी तो टाइमिंग आप पूछते हो तब मेरे को पढ़ना होता है. अब सही टाइम पे पूछा. हाँ, मैं सही टाइम पे पूछा, मतलब मैं गलत टाइम पे पूछती हूँ, है ना. तो देखते हैं आज ये कैसा चिकन बन रहा है. अच्छा सर, अपनी रेसिपी बताएंगे आप? नहीं बताएंगे, ये सीक्रेट स्पेशल रेसिपी है, बनने वाला पता चलेगा. ठीक है, बनाओ बनाओ, देखते हैं. तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी क्या ऐसे होता है कि आप डिनर बना चुके हैं या लंच बना चुके हैं कुछ भी, तो फिर एक और डिमांड आती है कि अभी ये बनाओ. तो क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया था, मैंने किचन भी ऑलमोस्ट क्लीन कर दी थी क्योंकि पापा खाना खा चुके हैं, वो बेचारे सो भी गए हैं जाके, मम्मा आउट ऑफ स्टेशन है, तो उदय ने भी खाना खा लिया है, तो हम तीन लोग बचे हैं खाना खाने के लिए. मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है. ठीक है जी, सही बताना, झूठ मत बोलना. मैं कभी झूठ नहीं बोलती. नॉट बैड. क्या अच्छा बना है भाई, अच्छा बना है. अच्छी बात है अगर फैमिली के कुछ और लोग भी कुकिंग कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है. सबको कुकिंग आनी चाहिए. मैं हमेशा कहती हूँ कि जैस्मिन लड़की है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसे ही कुकिंग आनी चाहिए, उदय को भी कुकिंग आनी चाहिए. तो किचन का काम जो है वो ज़रूरी तो लड़कियों के लिए होता है, सबके लिए होता है, सबको करना चाहिए. तो कभी कभी मेरे हस्बैंड भी हेल्प कर देते हैं और उदय भी रोटियां पका लेता है. या चलिए मैं आपको मिलाती हूँ उन रीज़न से. ओ, ये लाइट ऑन करके छोड़ के कहाँ चले गए? तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई? उधर लाइट ऑन छोड़ के आए हो तुम लोग? मैं जा रही थी. क्या जा रही थी? मैं बात कर रही हूँ अभी. क्या बात कर रही है? मुझे पता तेरी क्या इंपॉर्टेंट बात होती है. वही बात रोज 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 एक ही बात, तो वही बात कर रही है ना ये रिपीट में. कुछ बात कर रहे हैं. क्या कर रहे हो बेटे? तुमने सुबह स्कूल नहीं जाना? पेंस. ये पेंस कहाँ से आए फिर से? कौन से पेंस आई? ट्राईमैक्स, पापा से लेने आया. पापा से लेने आए फिर से पेन मंगवाए तुमने? ट्राईमैक्स? हाँ क्यों?
जो तुमने 4 दिन पहले लिया था वो कहाँ है? वो स्कूल में गुम, स्कूल में तुमने 4 दिन पहले वो 50 रुपीज का पेन गुम कर दिया और पापा से तुमने और मंगवा लिए, वेरी बैड उदय। हाँ जी, और आपका कुछ डिसाइड हुआ या नहीं हुआ? मेरे फोन क्या, मेरे को नहीं पता, बोल ही नहीं रहे, मैं बोल रही हूँ कॉल चलते हैं। देखो अभी ना कितने दिन पड़े हैं तुम्हें पता है? कितने कितने, आज 5 तारीख की रात हो गई है, ठीक है, 6, 7, 8, 9 को तो बर्थडे ही है, 9 तारीख को चलोगे मेरे साथ? अरे 9, 3 दिन बाकी है अभी, 6, 7, 8, 3 दिन पड़े, 3 दिन में लोग अपनी शादी की शॉपिंग कर लेते हैं, आपने सिर्फ एक ड्रेस लेनी है। अरे चल पढ़ते हैं यार, तू क्यों इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है? तो कल चलो। तो यहाँ पे ये पापा और डॉटर के बीच में जो डिस्कशन चल रही है वो ये है कि जैस्मिन का 18th बर्थडे आ रहा है 9th of September को, तो वो कह रही है कि मुझे एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए। खैर पार्टी वगैरह तो हम लोगों ने नहीं करनी है क्योंकि नहीं करते हैं, जब बच्चे छोटे थे तो हम थोड़े आस पड़ोस के बच्चों को बुला लिया, गेट टुगेदर हो गई और केक वगैरह कट हो गया। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो इनका अपना एक सर्कल है, घर में हम थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन अब मैडम का 18th बर्थडे है तो ये ओवर एक्साइटेड हो रही है, अभी 3 दिन बाकी हैं, मुझे ड्रेस लेके दो, मुझे ड्रेस लेके दो। कल रात को भी यही कन्वर्सेशन चल रही थी, ऐसा नहीं है कि ड्रेस नहीं लेके देनी है, ड्रेस लेके देनी है, बट अभी टाइम नहीं मिल रहा हमें जाने का। तो कल इसके पापा ने कहा था कि ठीक है तुम्हें ड्रेस लेनी है तो ऐसे करते हैं कि जीन्स तुम्हारे पास काफ़ी पड़ी हुई हैं, एक अच्छी सी स्टाइलिश सी फिटिंग वाली कुर्ती ले लो। तो मैडम का एक्सप्रेशन जो था ना फेस का, वो देखने वाला था। कह रही थी पापा आपको कुछ नहीं पता, यू नीड रेस्ट, आप जाओ और सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। तो यही कॉन्वर्सेशन चल रही है कि चलो मेरे साथ कब चलोगे। तो चलेंगे हम, कल नहीं जा पाए अगर तो फिर परसों चलेंगे। नहीं क्यों, कल टाइम है कल चलने के लिए, कल चलेंगे। चलेंगे हैप्पी, तो कल पता लगेगा हैप्पी कि नहीं, कब पता लगेगा। चलो ठीक है, पापा कल टाइम निकाल लेंगे, वैसे तो कह रहे हैं अगर बाई चांस पापा नहीं चलते तो फिर हम दोनों चलेंगे, ठीक है, फाइन। चलो फिर उठो, चलो जाओ सो जाओ। पापा के साथ आपने देखा, रात को बात भी हुई थी कि मैं लेके चलूँगा, लेकिन बस उनकी कोई मीटिंग आ गई और वो चले गए और फिर हम आई हैं दोनों यहाँ पे ड्रेस देखने के लिए। लेकिन अभी मैडम को कुछ पसंद नहीं आ रहा और टाइम भी बहुत कम है, तो अभी हमारे पास ऑप्शन है H&M, है ना, तो H&M में एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर वहाँ कुछ मिल गया देन ओके, नहीं मिला तो फिर सीधे घर, फिर देखा जाएगा जैस्मिन जो भी करेगी। Oh,
वैसे। शॉपिंग करके और जैस्मिन अब रेडी हो गई है जाने के लिए, उसकी कोचिंग है तो बहुत जल्दी जल्दी में हमने शॉपिंग की है, मतलब जो भी लिया गया वो ले लिया। और मैं आपको बताना चाहती थी कि क्यों मेरे व्लॉग्स जो हैं वो शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट तो नहीं होते, एटलीस्ट 9 to 10 मिनट्स का व्लॉग तो होता ही है, बट आप लोग कहते हैं कि थोड़े और लेंथी व्लॉग्स बनाया करो, तो बनाती तो मैं हूँ, सीन्स काफ़ी शूट करती हूँ, लेकिन ये जो मैडम है यहाँ पे ये एडिटिंग करती है और ये सारी की सारी वीडियो काट देती है, ये इंटरेस्टिंग नहीं है मामा, ये अच्छा नहीं है मामा, ये कोई देखेगा नहीं इतनी लंबी वीडियो, तो हमें छोटी करनी है एंड ऑल। तो आप इसी से बात कर लीजिए। तो ऑब्वियसली बात है ना कि मैं थोड़ी इंटरेस्टिंग बनी, अगर हम कट कर करके जा लेंगे तो आपका भी उसमें इंटरेस्ट बना रहेगा सीन्स में, तो अगर हम लंबे लंबे डालते रहेंगे ऐसे तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसमें इतना मज़ा। तो आप सब ने ही ये डिसाइड करना है कि आप लोगों किस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हो, लेंथी व्लॉग्स या फिर एवरेज 9 to 10 मिनट्स के व्लॉग चले। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, तो मैं देखना चाहती हूँ कितने परसेंट व्यूवर्स जो हैं वो चाहते हैं कि शॉर्ट व्लॉग हो और कितने परसेंट व्यूवर्स चाहते हैं कि व्लॉग्स लेंथी हों, तो मैं उसके हिसाब से फिर मैडम को कन्विंस करूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को कट ना करें ज़्यादा, ताकि हम अच्छे अच्छी वीडियोस और अच्छे व्लॉग्स बना सकें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।